हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है। और मुझे जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने 18 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे एक अलग से वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के मुझे नहीं मिल पाए थे उसे भी मैंने इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि हो सकता है इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके आगे आने वाली शिफ्टों में रिपीट हो जाएँ। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और देखते हैं कि आखिर एसएससी सीजीएल के 18 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने साइड में यहाँ पे लिख रखा है कि एसएससी सीजीएल 2022 18 अप्रैल सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा है कि बजट से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इसके अलावा नीचे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन हमारा आता है 7 नंबर पर, तो इस हिसाब से इसका जो एटॉमिक मास है वो 15 होता है। ठीक है, अगर परमाणु क्रमांक पूछा गया था तब वो है 7 और अगर परमाणु भार पूछा गया था तो वो यहाँ पे 15 होता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन था कि आप लोग नीचे, सॉरी थोड़ा इसको मैं ऊपर के साइड जूम करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन था कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु पाए जाते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, मतलब कि अगर हम 3 नवजात ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपका ओजोन बन जाता है। तो इस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊपर के साइड 4 क्वेश्चन आपको और देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि पेपरलेस बजट कब पेश हुआ, तो इसके लिए आप लिख सकते थे यहाँ पर कि 1 फरवरी 2022, यानी कि 1 फरवरी 2022 को इंडिया के अंदर पहला पेपरलेस बजट पेश हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर का पेपरलेस बजट पेश हुआ है और इसको पेश किसने किया है, तो वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसको पेश किया था। अगला क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 2014 से आपकी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रादीपीय नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक के लिए आपका अनुच्छेद नंबर 110 संविधान के अंदर उल्लेखित किया गया है। ठीक है, और आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए बजट शब्द के लिए अलग से वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर तो फिलहाल सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन एक भैया है GK3 करके, इन्होंने कमेंट किया था। इन्होंने कहा था कि इसके अलावा एक नया वीडियो डाल दो जिसमें कि इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन बताए थे जो कि फर्स्ट शिफ्ट के थे, मतलब कि ये पूछा गया था कि अजात शत्रु जो है वो किस वंश से संबंधित था, तो इसका सही जवाब इन्होंने लिख भेजा है कि ये हरेक वंश से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था कि जो आपका संविधान संशोधन है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो इसके लिए आपका 368 यानी कि अनुच्छेद नंबर 368 में आपका संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तीसरा क्वेश्चन था कि सन 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था वो महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, तो इसका सही जवाब था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में यरवदा जेल पुणे के अंदर पूना पैक्ट हुआ था। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस आता है और फिलहाल में इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मनीविल आप हम बता चुके हैं आपको कि 110 के अंदर है। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन था कि SI यूनिट ऑफ एसिलरेशन, मतलब कि त्वरण की जो आपकी SI यूनिट होती है उसमें सेकंड के पावर में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब सेकंड को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो सेकंड की पावर माइनस का 2 होगा, तो इस हिसाब से भैया ने आपको बताया कि इसके पावर में माइनस का 2 होना चाहिए था। ठीक है, छठवां क्वेश्चन था कि विच इज नॉट ए पोल्यूटेंट, मतलब कि इनमें से किसकी वजह से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है, तो इसका सही जवाब इन्होंने हमें बताया कि ग्लेशियर जो है वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि जो कामायनी आपकी किताब है या कामायनी जो बुक है उसको किसने लिखा है, तो सही आपको सही सही जवाब पता होना चाहिए। इसका जो
इसके जो राइटर है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी जो कामायनी महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य के अंदर 15 सर्ग हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखनी है कि कामायनी महाकाव्य के अंदर सर्गों की संख्या जो है वो 15 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि टू लाइफ्स बुक के ऑथर का नाम क्या है, तो इनका नाम था विक्रम सेठ, ठीक है। इसके अलावा एक 9th नंबर का क्वेश्चन है कि पेनिनसुलर रिवर आंसर वाज नर्मदा। ये थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोग थोड़ा इसमें से काम चला रहे हैं। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जो कि कुछ फर्स्ट शिफ्ट की रह गए थे, या फिर जो क्वेश्चन हमें सेकंड शिफ्ट में मिले हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7651815535, या फिर हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके अपने क्वेश्चन बता सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चन को इंक्लूड करके एक नई वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचा सकें, ताकि जिनका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो ये अंदाजा लगा पाएं कि पेपर का पैटर्न क्या है और उन्हें आगे क्या पढ़ के जाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।